और यहां पर आपको बताएं कि कराची में डेंगू से मुतासरा एक और खातून इंतकाल कर गईं। सिंध में रवां साल डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 14,000 से ज्यादा है। कराची में डेंगू से मुतासरा खातून निजी हस्पताल में इंतकाल कर गईं, जिसके बाद सिंध में रवां साल डेंगू के बाइस अमवात की तादाद 41 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू से मजीद 107 अफराद मुतासर हुए हैं। सिंध में रवां साल डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 14,493 हो गई। डेंगू सर्विलेंस सेल के मुताबिक रवां साल मुल्क भर में डेंगू के 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 13,654 डेंगू केसेस सिंध से रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुलहुकूमत से भी रवां बरस 13,200 केस सामने आ चुके हैं। पंजाब से 9,890 और बलोचिस्तान से 3,217 डेंगू केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा से 7,021 जबकि कबायली इजलास से 780 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह आजाद कश्मीर से भी रवां बरस 1,691 डेंगू केसेस की खबर मिली। गिलगित बल्तिस्तान से डेंगू वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। रवां बरस वफाकी दारुलहकूमत में डेंगू से 22 अमवात हुई। ज़राए के मुताबिक डेंगू से पंजाब में 20, बलोचिस्तान में 3 और आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जाँबहक हुआ।